मरियम अलैहिस्सलाम कुरान क्या कहता है उनके बारे में, अशूरा 42 सूरत है, 49 और 50 आयत। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ उद्दकूर أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير। अल्लाह के लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है, वो जो चाहता है तख्लीक करता है जैसे वो चाहता है, जैसे चाहता है मुअन्नस अता करता है, जिसे चाहता है वो मुअन्नस अता करता है और जिसे चाहता है वो मुज़क्कर अता करता है। यह मुज़क्कर और मुअन्नस को जोड़ देता है और जिसे चाहता है बहंच बे औलाद बना देता है। बेशक वो इल्म रखने वाला कुदरत रखने वाला है। सूरह आल इमरान तीसरी सूरत है, उसकी 35 और 36 आयत। इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्था वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़िक्रु कल उन्सा व इन्नी समैतुहा मरियम وَإِنِّي أُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ। जब इमरान की बीवी ने कहा मेरे रब परवरिश करने वाले बेशक मैंने जो कुछ मेरे बतन में है इसे ऐसा आज़ाद करते हुए तेरे लिए वक्फ कर दिया, बस मुझसे कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। पर जब उसने उसको जना तो उसने कहा कि मेरे रब परवरिश करने वाले मैंने मोनस को जनाए, अल्लाह ज्यादा जानता था जिसके साथ उससे जना। और मुजक्कर मोनस की तरह नहीं होता, और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा है और इसको और उसकी जुरियत को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान रजम की वजह से। तो ज़करिया की उसमें एक मैं याद पढ़ता हूँ, वह ज़करिया इद नादा रब्बा, और ज़करिया ने नदा दी अपने रब से रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा, ऐ रब मुझे मत छोड़ दियो बगैर फ़र्द के, वह अंता खैरुल वारिसीन तू बेहतरीन वारिस देने वालों में से। अब क्या हुआ आले इमरान 3 उसकी 42 और 43। वह क़ालतिल मलाइका तो या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व ताहराकी व अस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, और जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक किया और तुझे जहानों की औरतों पर चुन लिया, ऐ मरियम अपने परवरिश करने वाले की फरमाबरदारी कर और सिजदे कर और झुकने वालों के साथ झुक जा। आले इमरान की 3 की 44 में अल्लाह ये बताता ही है, ये इन्फॉर्मेशन आगा से रही है, ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم वमा कुन तलदेहिम इद यत्तसिमून। वो गैब की पेशेंगोइयों में से है जिसकी हमने तेरी तरफ वही की और तू उनके पास नहीं था जब वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम की कफालत कौन करेगा, और तू उनके पास नहीं था जब वो झगड़ रहे थे। अब ये सूरह आले इमरान में 3 की 37 में ये सिलसिला शुरू होता है। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अंबतहा नबतन हसना وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ। بس اس کے رب پرورش کرنے والے نے اسے اچھی طرح قبول کیا और उस मरियम की बड़ी अच्छी तरबियत हुई और ज़करिया ने उसकी किफ़ालत की।
जकरिया अलैहिस्सलाम उसकी किफ़ारत कर रहे थे। जब भी जकरिया उसके पास मेराम में दाखिल हुआ था तो उसके पास रिस्क आता था, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के पास रिस्क होता था। तो उन्होंने उससे कहा, ए मरियम, तेरे पास ये कैसे है, कैसे आया? तो उसने कहा कि ये अल्लाह के नज़दीक से है, बेशक अल्लाह जो चाहता है जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। आल इमरान में 3 उसकी 45 और 47, इस क़ालत अल मलाइका तो या मरियम इन अल्लाह युबश्शिरुकि बिकलिमतिन मिन उस्मुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون। जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह तुझको अपने पास से कलमे के साथ बशारत देता है, उसका नाम अल मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, इस दुनिया में और आखिरत में वजी नुमाया होगा और कुर्ब रखने वालों में से होगा। उसने कहा, मेरे रब, ये कि वो कैसे मेरे लिए बेटा बनेगा और मुझे हरगिज़ किसी बशर ने नहीं छुआ। कहा, इसी तरह मतलब बगैर छुए अल्लाह जो चाहता है खल करता है, जब अमर पूरा हो जाता है बस बेशक उसके लिए कहता है हो जा और वो हो जाता है। सूरह अज़ाब 33 उसकी 5 लिख लें आप, उदुहुम लियाबाहिम हुवा अक्सतु इंदल्लाह फ़इल्लम तालमु आबाहुम फ़इख्वानुकुम फिर दीनी व मवली कुम, पुकारे हुए बेटों को पुकारो उनके बापों के लिए, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है। बस अगर तुम्हें उनके बापों का इल्म नहीं है बस वो फैसले में तुम्हारे भाई और सरपरस्त हैं। तो उनको बशारत किया जा रही है, इज़ क़ालत अल मलाइका या मरियम इन्ना अल्लाह युबश्शिरुकि बिकलिमतिन मिन अल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फी दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन, यानी उनको लगा के फरिश्तों के बेशक अल्लाह ने तो बशारत देता है तुझे कलमे की, उसका नाम अल मसीह ईसा इब्न मरियम, कंप्लीट नाम यह है, ये होगा और वो इस दुनिया और आखिरत में वजी होगा, नुमाया होगा और कुर्ब वालों में से होगा। सूरह अल असरा 17 सूरत है उसकी 85 आयत 85। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, वो तुझसे सवाल करते हैं रूह के बारे में। قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, वो तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दे रूह जो है मेरे रब के अमर से है और तुम्हें इसका इल्म दिया गया सिवाय थोड़ा। सूरह मरियम 19 उसकी 16, 17, 18। وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ इदिन तबदत मिन अहलिया मकान शर्किया फतखदत मिन दूनहिम हिजारा फअरसलना इलैहा रूहना फतमसलहा बशरन सविया कालत इन्नी अऊदु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया। और किताब में मरियम को याद करो जब उसने अपने अहले खाना से शर्की मकान पर अलहदगी इख्तियार की, बस उसने यानी मरियम ने उनके अलावा यानी अपने अहले खाने के अलावा हिजाब पर्दा किया, बस हमने उसकी तरफ अपनी रूह भेजी, बस उसके लिए वो ठीक ठाक मिसले बशर थी। इस यानी मरियम ने कहा, बेशक मैं तुझसे अपने रब की पनाह चाहती हूँ अगर तू परहेजगार है। तो फिर आगे देखिए इसे कंटिन्यूटी में, قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, پھر وہی کہتے ہیں, قَالَتْ أَنَّا يَكُنُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, اس نے کہا بے شک تیرے رب کا میں رسول ہوں تاکہ تجھے جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں, اور اس مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا कि जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और नहीं मैं बदकार हूँ। सूरह मरियम 19 उसकी 21 आयत, काला कदालिक काल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन वलिनजअलहु आयतल लिन्नास
وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا. اس نے کہا ایسے ہی ہوگا بغیر چھوئے. تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے ایک آیات نشانی اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں اور یہ امر پورا ہوگا. تو اب اس کو قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی 21:91 آیت والتی احسنت فرجہا فنفقنا فیہا من روحنا وجعلنہا وابنہا آیات للعالمین. اور مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس نے, بس ہم نے اس کی نفسیات میں اپنی روح پھونکی اور ہم نے اس یعنی مریم کو اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. سورہ تحریم میں 66:12 میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی, پھر ہم نے اس یعنی شرمگاہ میں روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں سے تھی. اب سورہ مریم 19:20-23 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بس اس مریم نے اس کو اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ایک دور مقام پر چلی گئی. بس پیدائشی درد نے اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے کی طرف لے گیا. اس نے کہا اے کاش میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہو گئی ہوتی. سورہ مریم 19:24-25 ہے فنادہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا. اور اس یعنی روح نے اس کے نیچے سے پکارا کہ تو محزون غمزدہ نہ ہو, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. اور آگے لکھا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ اور تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی, پس کھا یعنی پکی ہوئی کھجوریں اور پی یعنی چشمے میں سے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, اور پھر اگر تو کسی بشر کو دیکھے پس تو کہہ بے شک میں روزہ رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں, پس آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام بات چیت نہیں کروں گی. سورہ مریم 19:27-28 فاتت بھی قومہا تحملو قالو یا مریم لقد جیتی شیئن فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیا. پس وہ اسے اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا اے مریم بے شک تو گھڑی ہوئی شے کے ساتھ آئی. اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں غلط. اب سورہ نور 24:11 ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی, اب تہمت یہاں اصل میں آپ اس کو سمجھے بدنامی, ایکچوئل میں عف کہتے ہیں بدنامی, بے شک جن لوگوں نے جھوٹی بدنامی کی وہ تم ہی میں سے ایک تولہ ہے, تم اپنے حق میں اس کو برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کی ذمے اس قدر گناہ ہے جتنا یا جس قدر کے اس نے کمایا, اور ان میں سے جو بڑھائی کے ساتھ پلٹ گیا
उसके लिए अजाब अजीम है। अब आइए आगे देखिए किस तरह होगा। लौला इज़ समिअ्तुमुहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअन्फुसिहिम खैरा वकालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। और जब तुमने उस बदनामी को सुना तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों तुमने अपने ऊपर बेहतर गुमान क्यों नहीं किया, अपने नफ्सों के ऊपर बेहतर गुमान क्यों नहीं किया और कहते कि ये तो खुली बदनामी है। लौला जाऊ अलैही बिअरबाती शुहदा फइज़ लम यातू बिश्शुहदा फउलाइका इंदल्लाहुमुल काज़िबून। क्यों ना वो इस बदनामी पर चार गवाह लाए, पर जब वो गवाह नहीं लाए तो बेशक अल्लाह के नज़दीक वो ही झूठे। अब आगे अल्लाह कहते हैं वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरा लमस्सकुम फीमा अफ़तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम। अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस बात का तुमने चर्चा किया यानी फैलाया तो तुमको जरूर अजाब अजीम छू लेता। और फिर आगे लिखा है तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम व तकूलुन बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिइल्म व तहसबूनहु हैयना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। तुम इस बदनामी को जिसका तुम्हें इल्म नहीं है अपनी जबानों से अपने मुंह से बयान करते हो और गुमान करते हो कि वो इंतहाई मामूली बात है, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ी बात है, अजीम बात है। सूरह मरियम 19 और 88 और 92 तक उसकी बात अल्लाह ताला बताते हैं किस तरह अल्लाह ताला को ये चीज़ बुरी लग रही है। वक़ालु तख़द अर्रहमान वलदा लक़द जीतुम शैयन इद्दा तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु वतनशक्कु अल-अर्ध वतख़िर्रु अल-जिबालु हद्दा अन दऊ लिर्रहमान वलदा वमा यनबगी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा। और वो कहते हैं कि अर्रहमान ने बेटा अखज़ कर लिया, पकड़ रखा है, ताकि तुम सख्त शय के साथ आए, करीब है कि आसमान इससे फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। ये कि वो रहमान के लिए बेटा पुकारते हैं और रहमान के लिए चाहत नहीं है कि वो बेटा अखज़ करे या पकड़े। सूरह निसा 4 उसकी 156 कि बेटा किस तरह आया दुनिया में। वबिकुफ़्रिहिम वकौलिहिम अला मरियम बहतानन अज़ीमा। और उनके कुफर के साथ और उनका मरियम के ऊपर बहतान अज़ीम का कहना। और सूरह नूह 24 की 16 वलौला इज़ समिअ्तुमुहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाज़ा सुबहानका हाज़ा बहतानन अज़ीम। और जब तुमने उस बदनामी को सुना तो तुमने ये क्यों नहीं कह दिया कि हमारे लिए नहीं है कि इस बात को हम कहें, तू पाक है, सुबहानका तू पाक है, हाज़ा बहतानन अज़ीम। तो आगे देखिए मरियम, सूरह मरियम 19 उसकी 29 30 से 33 फ़शारत इलैह। हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा सलाम का इशारा कर दिया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब व जालनी नबिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअथु हय्या। बस उस मरियम ने उसकी तरफ इशारा किया, इन्होंने कहा हम इससे जो गहवारे में है इससे कैसे बातचीत करें, तो गहवारे में ईसा ने यानी ईसा सलाम ने उसने कहा बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है और मुझे नबी बनाया गया और सलाम हो मुझ पर मेरे ऊपर उस दिन में जब पैदा हुआ। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु सलाम हो मेरे ऊपर जब मैं जिस दिन पैदा हुआ और सलाम हो उस दिन जब मैं मरूंगा और सलाम हो उस दिन मैं जब जिंदा माबूस किया जाऊंगा। इसमें एक आगे बात को कहते हैं और हैं, ये देखिए यहाँ पर वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंतु व औसानी बिस्सलाती व ज़कातिहि मा दुमतु हय्या। और जहाँ कहीं मैं हूँ मुझे बरकत वाला बनाया गया और मुझे सलात नमाज के साथ और ज़कात के साथ वसत की गई जब तक कि मैं जिंदा हूँ। व बारम भी वालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। और मैं अपनी वालदा के साथ नेकी करूँ और मुझे हरगिज़ जबर व सख्ती करने वाला नहीं बनाया। आगे व बर्रम भी वालिदती, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यानी मैं अपनी वालिदा के साथ नेकी करूँ ये मुझे
इसका हुक्म दिया गया है। और याहिया सलाम कहते हैं व बर्रम बि वालिदैही वलम यकुन जब्बारन आसिया, और यानी याहिया को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने वाला बनाया, और यानी याहिया को हरगिज जब्बार करने वाला अर्थात न करने वाला नहीं बनाया। तो सूरह आले इमरान थी उसकी 59। इन्न मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलकहू मिन तुराबिन थुम्मा कालहू कुन फयकून। तहकीक अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल ऐसी है जैसे मिसाल आदम की, उसने उसको मट्टी से तख्लीक किया फिर उसने कहा हो जा, पस वो हो गया। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम कौल अल हक अल्लज़ी फीही यमतरून, ईसा इब्न मरियम के बारे में यही सच बात है जिसमें कि वो शक करते हैं। सूरह मोमिनून उसकी 23 और 50। वजअलना इब्न मरियम व उम्मुहू आया व आवैनहुमा इला रबवा ذاتی قرار معین, और हमने इब्ने मरियम को उसकी माँ को एक निशानी बनाया, आयत बनाया, और हमने इन दोनों को एक ठहरने के काबिल चश्मे वाली बुलंदी जगह की तरफ पना दी, यानी उन दोनों के बारे में सच्चाई जानना। सूरह मायदा 5 उसकी 75। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन कबल रसूल व उम्मुहु सिद्दीका काना या कुलान तआम انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون। नहीं अलमसीह इब्ने मरियम सिवाय इसके कि एक रसूल है, इससे पहले कई रसूल गुजर गए, और उसकी माँ सच्ची है, और वो दोनों खाना खाते हैं या थे, गौर करो हम उनके लिए आयात को किस तरह खोल कर बयान करते हैं, फिर गौर करो वो कैसे भटकते फिरते। अच्छा अब आखिरी आयत है ये सूरह निसा 4 और 171 आयत लेक्चर के हिसाब से। या अल किताब ला तगलु फी दीनिकुम वला तकूलु अलल्लाहि इल्लल हक इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अल्काहा इला मरियम व रूहु मिन फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिह वला तकूलु थलाथा इन्तहु खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुभानहु अन यकूनु लहु वलद लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला। ए अहले किताब अपने दीन में फैसले में मुबालगा ना करो, हद से ज़्यादा ना बढ़ो, अल्लाह के मुतालिक सिवाय हक के कोई बात ना कहो, बेशक अल मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का रसूल है और उसका एक कलमा है जो उसने मरियम को अता किया, और उसके पास से रूह है, बस अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और तुम तीन मत कहो, अगर तुम इससे बाज रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। बेशक अल्लाह वाहिद इलाह है, वो इससे पाक है कि इसका कोई बेटा हो, जो कुछ भी आसमान और ज़मीनों में है इसी का है, और अल्लाह ही वकील काफ़ी है। लेकिन कुरान मजीद में आप एक आयत है जिससे हम ये बता सकते हैं कि ईसा सलाम की शादी हुई, उनकी ज़ुरियत भी है। सूरह अर्राद है, अर्राद सूरत है उसकी 13 सूरत है उसकी 38 आयत। वलकद अरसलना रसूलम मिन कब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजं व ज़ुर्रिया व मा कान लि रसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब। और तहकीक हमने तुझसे पहले रसूलों को भेजा, और हमने उन सब के लिए अजवाज बीवियाँ और ज़ुर्रियत बच्चे बनाए, और ये रसूल के लिए नहीं है कि वो आयत के साथ आए सिवाय इसके अल्लाह की इजाज़त के साथ, हर मुकर्रर मुद्दत के लिए किताब है। सूरह तहरीम 66 सूरत है, और 66 सूरत में उसकी 10, 11 और 12। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू कफरू इम्रअता नूह व इम्रअता लूत, यानी अल्लाह मिसाल देता है उन लोगों की जो कुफ्र करते हैं इम्रात नू की बीवी नू की और बीवी लूत की। नेक्स्ट मैं आगे नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट आयत पढ़ रहा हूँ। और ज़रब अल्लाहु मसलल लदीन आमनू बराता फिरौन, और अल्लाह मिसाल बताता है, ज़रब लाता है मिसाल उन लोगों की जो ईमान लाते हैं इम्रात फिरौन। उसके बाद आयत 12 व मरियम इब्नता इमरान, तो यहाँ कहता है बीवी जोसेफ की नहीं बेटी इमरान की अल्लाती अहसनत फरजा। ठीक है साहब, शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात,
आज की तकरीब इख्तिताम को पहुंचती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।